हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.2 क्लास 9 सीबीएसई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री एंड एबी प्लस एसी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाएंगे। इधर राइट हैंड साइड में इसकी नेमिंग करेंगे ए बी सी। बी सी इज 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज 75 डिग्री एंड ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक बेस लेंगे, बेस बी सी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। बी सी बेस 7 सेंटीमीटर। अब इसके बी वर्टेक्स पर हमने 75 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। इसके लिए पहले 60 डिग्री और फिर 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 60 डिग्री, फिर ये एंगल 120 डिग्री, और इन दोनों को बाइसेक्ट करके हमारे पास आ जाएगा एंगल 90 डिग्री। दिस इज एंगल 90 डिग्री, और इसको जो है डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। फिर एक बार 60 से और एक बार 90 डिग्री से आर्क लगाएंगे, जो दोनों आर्क एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को और वर्टेक्स बी को ज्वाइन करेंगे, तो दिस इज द एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब बी से यहाँ पर एक डिस्टेंस लेना हमने 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ से, और ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास एक्स। ज्वाइन सी एक्स, सी एक्स को ज्वाइन करें डॉटेड लाइन से। और अब सी एक्स को बाइसेक्ट करेंगे, ना बाइसेक्ट था सी एक्स, मोर देन हाफ लेकर के एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर। अब सेम रेडियस से एक आर्क एक्स पॉइंट से, और एक बार ये दोनों आर्क आ गए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब इन दोनों आर्क के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से, जो कि बी एक्स लाइन को, जो ये बी एक्स लाइन है इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और इस पॉइंट को हमने बोले हैं ए। अब ए सी को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए सी। सो ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। जस्टिफिकेशन, देखिए जो ये सी एक्स लाइन है, इस सी एक्स लाइन का ये जो लाइन है ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है और इसको दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करती है। ज्योमेट्री का एक रूल है कि जितने भी पॉइंट्स इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर होंगे वे सभी पॉइंट्स एक्स और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि ए जो पॉइंट है वो सी से और एक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यानी कि ए एक्स इक्वल टू ए सी। यानी कि बी एक्स हमने ली थी 13 सेंटीमीटर, बी एक्स को हम लिख सकते हैं बी ए प्लस ए एक्स, और इन दोनों का टोटल है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। बी ए को बी ए में प्लस करेंगे ए एक्स, और ए एक्स किसके इक्वल है ए सी के लिए। तो यही हमने गिवन था हमारे को, और यही हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यानी कि ये ट्रायंगल ए बी सी वो ट्रायंगल है जिसका बेस 7 सेंटीमीटर है, एंगल बी 75 डिग्री है, और ए बी और ए सी का जो सम है वो 13 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। राइट हैंड साइड में एक रफ फिगर बनाएंगे जिसमें बी सी है 8 सेंटीमीटर,
एंगल बी इज 45 डिग्री और ए बी और ए सी का जो डिफरेंस है ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए सबसे पहले बेस लेंगे, बेस बी सी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हमने बेस ले लिया और इसको नेमिंग कर दी बी एंड सी और यहाँ पर लिखा है इसमें 8 सेंटीमीटर। अब बी वर्टेक्स पर हमने 45 डिग्री एंगल बनाना है। 45 एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले 90 का बनाना पड़ेगा, तो 90 के एंगल को फिर हम बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिग्री का आ जाएगा। 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले 60 और 60 से फिर 120, एक बार 60 से आर्क लगाएंगे, एक बार 120 से आर्क लगाएंगे, दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को अगर हम बी से ज्वाइन कर देंगे तो वो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करना है, एक बार जीरो से और एक बार 90 डिग्री से आर्क लगाएंगे जो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इन दोनों आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को वर्टेक्स बी से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एंगल जो है 45 डिग्री का आ जाएगा, दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। अब बी से जो ये डिस्टेंस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, अब इसमें देखें ए बी माइनस ए सी है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो बड़ी है और ए सी जो लेंथ है वो छोटी है, यानी कि ए बी माइनस ए सी, तो ए बी लेंथ बड़ी है इसलिए ये डिस्टेंस जो हम ऊपर की तरफ लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर के आर्क लगाएंगे और अब ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x, इसको लिखेंगे x और सी एक्स को हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन सी एक्स। अब सी एक्स को हमने बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट सी एक्स, तो मोर देन हाफ लेकर के आर्क लगाएंगे, एक सी एक्स के ऊपर की तरफ और एक सी एक्स के नीचे की तरफ, यानी कि सी एक्स के दोनों तरफ हमने आर्क लगानी है दोनों वर्टेक्स से, एक बार सी से और एक बार ए से, जो कि दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि बी एक्स रे को एक्सटेंड करने पर, बी एक्स रे को एक्सटेंड करने पर ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, दिस पॉइंट इज ए, नाउ ज्वाइन ए सी, देखिए यहाँ पर सी एक्स लाइन में ये जो लाइन है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है और इसका बाइसेक्टर भी है। एक थ्योरम है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं बी से बी पॉइंट्स इन दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि ए पॉइंट एक्स से और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ए एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम ए बी को लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स और ए एक्स जो है ए सी के इक्वल है और बी सी बी एक्स की जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर है जो हमने स्टार्टिंग में कट किया था 3.5 सेंटीमीटर। अब ए बी यहाँ पर है, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, तो यानी कि ए बी, ये ए बी में से जब हम ए सी माइनस करेंगे तो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा। सो ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल और इसको जो है ना सेड कर देंगे हल्के हल्के आप पेंसिल से, और ज़्यादा सेड बना सकते हैं इसकी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर
एंगल क्यू इक्वल टू 60 डिग्री एंड पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएंगे और इसकी नेमिंग करेंगे पी क्यू आर। एंगल क्यू इज 60 डिग्री एंड क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर पी आर माइनस पी क्यू का जो डिफरेंस दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर दे रखे हैं, जबकि पिछले क्वेश्चन में जो है इधर इस साइड में से इस साइड को माइनस कर रखा था और डिफरेंस दे रखा था 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि इधर वाली साइड बड़ी थी, अब इधर वाली साइड जो है छोटी है। जब ये साइड छोटी होगी तो इसलिए इसके लिए हम जो डिफरेंस दे रखे हैं वो नीचे की तरफ लेंगे। देखो सबसे पहले क्यू आर लेंगे, क्यू आर 6 सेंटीमीटर और इसको नेमिंग करेंगे हम क्यू आर 6 सेंटीमीटर। टेक लाइन सेगमेंट क्यू आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब क्यू वर्टेक्स पर हमने 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री और इसको एक्सटेंड कर देंगे दोनों तरफ इस एंगल को। ये आपको बताया मैंने क्योंकि इस तरफ ये साइड छोटी है तो इसलिए हमने ये जो 2 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस दे रखा है उसको नीचे की तरफ लेना है और ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से ये डिफरेंस हमने कट कर दिया और इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्स। दिस पॉइंट इज एक्स, ज्वाइन एक्स आर, एक्स आर को ज्वाइन करेंगे। नाउ बाइसेक्ट एक्स आर, एक्स आर को बाइसेक्ट करने के लिए इस लाइन सेगमेंट का हाफ से ज़्यादा लेकर के, हाफ से ज़्यादा रेडियस लेकर के एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ और एक आर्क लगाएंगे नीचे की तरफ और उसी रेडियस से इन दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करती हुई और आर्क लगाएंगे। अब इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट हमारे पास आएगी वो बी एक्स लाइन सेगमेंट को क्यू एक्स को, क्यू एक्स को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और इस पॉइंट को हमने नेमिंग दे दिया पी, ज्वाइन पी आर, पी आर को हमने ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन किया। सो पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जैसे कि एक्स आर जो है ये एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये वाली लाइन एल। सो इस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वे सभी पॉइंट्स एक्स और आर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि पी एक्स इक्वल टू पी आर और हम ये भी लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू पी एक्स, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है दोनों इक्वल है, पी आर सेम। पी एक्स को हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एक्स, पी आर इक्वल टू पी क्यू सेम और क्यू एक्स की जो लेंथ है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पर रह जाएगा। पी आर पी क्यू को इस तरफ ले आएंगे तो पी क्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये हमारे पास बचेगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर बड़ी साइड होगी और पी क्यू जो है छोटी साइड है तो पी आर माइनस पी क्यू करेंगे तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। थैंक यू।